यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो चैप्टर चल रहा था कार्बन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो क्या चीज़ होती है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर के जो कंपाउंड बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर के बन रहे होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और फिर बाद में आ रहे हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन कि भाई अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, लॉन्ग चेन वाले, और लॉन्ग चेन में भी क्या होते हैं, रिंग शेप वाले अलग अलग। तो देखते हैं किस टाइप के होते हैं। मैंने एक चार्ट बना रखा है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हाइड्रोकार्बन, इसके टू टाइप्स है अपने पास, लॉन्ग चेन लिंक्ड और रिंग चेन लिंक्ड। एक तो क्या है, लंबी चेन के रूप में बने हुए होंगे और एक होंगे हमारे पास रिंग चेन के रूप में, जो मतलब एक रिंग के शेप में होंगे, जो चारों तरफ से क्या होंगे, पैक होंगे। तो फर्स्ट देखने जा रहे हैं लॉन्ग चेन लिंक्ड। लॉन्ग चेन लिंक्ड जो होते हैं उनको बोलते हैं एलिफेटिक और रिंग चेन वालों को बोलते हैं एरोमेटिक। यानी कि एक सर्कल के रूप में बन रहे हैं तो एरोमेटिक, और मतलब सीधे स्ट्रेट बन रहे हैं तो फिर एलिफेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है अपने पास सैचुरेटेड और सेकंड है अनसैचुरेटेड। दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एल्केन। एल्केन जो होते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसके अंदर एल्केन वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि समझ लें, जैसे अपन यहाँ पर लेना चाहें सी और सी, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर आएंगे, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। फिर आ रहा है अपने पास अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कार्बन कंपाउंड जो क्या, जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में दो टाइप के हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन नाम पता चल रहा है तो मतलब इससे जितने भी नाम दिए जाएंगे, मेथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, उनके आगे इन लगेगा, जैसे कि होगा एथीन, आगे कर देता हूँ प्रोपीन। तो फिर आ रहा है अपने पास एल्काइन्स। एल्काइन्स में क्या होता है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि दो कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड लगे हुए हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, इसका एग्जांपल। फिर आ रहा है अपने पास रिंग चेन लिंक्ड। रिंग चेन लिंक्ड को क्या बोलते हैं अपन, एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड। एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड में भी ये क्या है, दो टाइप के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले, रिंग शेप वाले कार्बन कंपाउंड होते हैं। बट एरोमेटिक क्या होते हैं, रिंग शेप तो होता है लेकिन इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो लिख का मैंने यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। फिर आ रहा है अपने पास यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है मैंने, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे जिस जगह पे, यहाँ पे ये डॉट लगा रहा हूँ मैं, वहां वहां पे क्या होगा, कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसका मतलब हेक्सेन होगा। और सर्कल बन रहा है इसमें साइक्लोन। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से 6 कार्बन के स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर होता है, जो क्या हो गया, बेंजीन का। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी अपन किसी का नाम देंगे तो फिर उनके लिए अपन कार्बन के कितने नंबर से कितनी संख्या है उनके बेस्ड अपन उनका नाम देते हैं। तो उसके लिए टेबल बता रहा हूँ आपको। C1 यानी कार्बन की संख्या अगर 1 हो, यानी कार्बन 1 दे रखा हो कंपाउंड में, तो वो होगा मेथ। कार्बन अगर 2 दे रखा है तो वो होगा हमारे पास एथ। कार्बन 3 दे रखा है तो वो होगा हमारे पास प्रोप। कार्बन 5 दे रखा है तो वो होगा पेंट। कार्बन 4 दे रखा है तो ब्यूट। कार्बन 5 दे रखा है तो पेंट। कार्बन 6 दे रखा है अगर तो हेक्स। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कार्बन 7 दे रखा है तो हेप्ट होगा।
कार्बन 8 दे रखे हैं तो ओक, कार्बन 9 दे रखे हैं तो नॉन, और कार्बन 10 दे रखे हैं तो डेक। इस तरीके से ये चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, उसी के बेसिस पे फिर अपन आगे क्वेश्चंस को, यानी कि आज इन जो इनके कंपाउंड्स बनेंगे उनके जो नाम किस तरीके से लिखने हैं वो हम समझ पाएंगे। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट टेबल। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नोमेनक्लेचर, यानी कि नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, जो कंपाउंड्स हमको नाम किस तरीके से हम देंगे। अब हमारे पास तीन सिस्टम होते हैं इनके नाम देने के, फर्स्ट है ट्राइबल सिस्टम, सेकेंड है डिराइव सिस्टम, और थर्ड है IUPAC सिस्टम। तो तीन इसके सिस्टम है, तीनों के नाम ध्यान रखने हमें। फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं ट्राइबल सिस्टम। अब ट्राइबल सिस्टम में क्या होता है उसको देखते हैं। इन दिस सिस्टम नेम वाज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर प्रिपरेशन, यानी कि जिस सोर्स से ये बनाए जा रहे हैं उसी के आधार पे इनका नाम दिया जाता है। जिस सोर्स से ये क्या हो रहे हैं बन रहे हैं उसी के आधार पे इनका नाम देते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मेथेन CH4 इज ऑब्टेन फ्रॉम मासी प्लेसेस। CH4 जो मेथेन होता है उसको क्या किया जाता है, मासी प्लेसेस से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। सो इट्स नेम इज मास गैस, इसका नाम भी क्या रख दिया गया, मास गैस। यानी जिस जगह से मिल रहे हैं, जिस चीज से अपन को ये मिल रहे हैं उसी के आधार पे इनका नाम दे दिया जाएगा। कौन से सिस्टम में, ट्राइबियल सिस्टम। एग्जांपल और लेके चल रहे कि एन पेंटेन हो गया अपने पास, एन पेंटेन मैं नाम बताया आपको, अगर स्ट्रेट लाइन बन रही हो तो उसको एन पेंटेन के आधार पे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका 5 कार्बन तो पेंट आएगा। और लास्ट में क्या लगाना है, AnE, क्योंकि हमारे पास सैचुरेटेड में सिंगल कंपाउंड होता है, तो फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लेके आता है हमेशा N, तो N pentane, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए, जैसे कि आपके पास कोई भी कंपाउंड हो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाता है तो उसको बोलेंगे अपन आइसो ग्रुप, वो ग्रुप होगा हमारा आइसो। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर तो हमारे पास इस तरीके का बना हुआ है, सेम ये का ही बना हुआ है, और आगे क्या है CH2, तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो ब्यूटेन तो आएगा ही आएगा, बट ग्रुप कौन सा आ रहा है आइसो वाला, तो इसको क्या लिख देंगे, आइसो ब्यूटेन। सेम इसी प्रोसेस में आगे अगर इस टाइप का शेप हमको मिल जाता है, जैसे कि ये जिसमें क्या हो 5 कार्बन हो और वो सारे सिंगल बॉन्ड जुड़े हो, आगे और दूसरे कार्बन जुड़े हो तो उनको बोलेंगे नियो। तो देखिए आगे वाले में क्या हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर हमारे पास वापस से बन रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया वो तो क्या हो गया, नियो का हो गया, एक कार्बन आगे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसका मतलब नियो हेक्सेन इसका क्या हो गया, नाम हो गया। तो इस तरीके से अलग और भी कंपाउंड आएंगे तो उनके नाम इसी टेक्निक पर बेस्ड आप दे सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी बात ट्राइबल सिस्टम की। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा डिराइव सिस्टम। डिराइव सिस्टम, इन दिस सिस्टम कंपाउंड्स आर नेम्ड ऑफ देयर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय विच दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑब्टेंड, यानी कि इनका जो नाम दिया जाता है वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिससे ये बन रहे हैं, जिससे ये समझे जा रहे हैं इससे बन रहे हैं उनके आधार पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के आधार पे इनका नाम दिया जाएगा। ट्राइबल सिस्टम में तो क्या है, जिस तरीके से ये ऑब्टेंड हो रहे हैं उनसे नाम, उनके अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं, यहाँ पे जिस कंपाउंड से ये कंसिडर किए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाएगा। तो इसके लिए आपके पास ट्राइबल सिस्टम में कुछ एग्जाम्पल्स और भी होंगे, तो उनको एग्जाम्पल्स का एक बार देख लें और उनको नोट में आपको नोट करना है। हाँ, तो अब हमारा ये हो गया यहाँ तक डिराइव सिस्टम। डिराइव सिस्टम को किस तरीके से नाम वगैरह होंगे, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे वो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और आज से जो हमारा टॉपिक था
वापस देख लें एक बार हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किस टाइप के होते हैं अलग अलग, इनके डिफाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और बाकी जो हमारा नोमेनक्लेचर है उसमें थ्री सिस्टम होते हैं, वन सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकंड की डिफाइन बता दी है और सेकंड को हम कल समझ लेंगे, और थर्ड सिस्टम जो है हमारा उसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, जो भी होगा हम हमारे आगे की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़ लें, जो भी प्रॉब्लम हो उसको वापस से डिस्कस कर लें।